वार्म वेलकम टू न्यू यूट्यूब वीडियो। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड सेफ एंड योर प्रिपरेशन इज गोइंग ग्रेट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट 27 मई 2023 आज एग्जाम प्रेडिक्शन वीडियो। सो अगर आपका है एग्जाम 27 मई को तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि क्या लेवल रहने वाला है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं और क्या टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि कोई सिंगल नोटिफिकेशन भी आपसे मिस ना हो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लिसनिंग से स्टार्ट करते हैं। लिसनिंग का मॉड्यूल बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इसमें आप स्कोर जो है एज मैक्सिमम 9 तक भी अचीव कर सकते हो, और मेरी मानो तो जिनका अभी तक स्कोर 6 पर स्टक है वो भी 7+ अचीव कर सकते हैं बहुत इजीली, सिर्फ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर। सो सेक्शन 1 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 1 में हमारे पास जो है कन्वर्सेशन होगी बिटवीन 2 पर्संस, फोनिक कन्वर्सेशन होगी और ये आने के चांसेस हैं आपके पास 1 वर्ड एंड और नंबर। सो बहुत सिंपल रहने वाला है सेक्शन 1। 10 out of 10 आप इजिली अचीव कर सकते हो जस्ट थोड़ी सी बातों का ध्यान रखकर। फर्स्ट नंबर पर आपको ध्यान रखना है कि आपको इधर उधर नहीं देखना। सेकंड चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि आपको आपका फुल कंसंट्रेशन जो है वो कीवर्ड राइट कीवर्ड पिक करने पर होना चाहिए, दैट्स ऑल। सेक्शन 2 की अगर बात की जाए तो सेक्शन 2 में हमारे पास हाई चांसेस कि आपके पास शॉर्ट MCQs मैच द इंफॉर्मेशन आने के हैं और इसके साथ साथ मैप की आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चांसेस हैं आपके पास 30-40% कि शायद मैप देखने को मिल जाए। सो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की मैप की देन डू इट, जल्दी से कर लीजिएगा उसकी प्रैक्टिस क्योंकि मैप आने के भी चांसेस हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ पर करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं मैप को क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। अगर आपके मैप में एक आंसर एक लोकेशन आपने गलत फाउंड की देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। सो आपको अपनी पेंसिल का पॉइंटर जो है वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपको बुकलेट में दिया होता है कि यू आर हेयर, कि आप यहाँ पर हो। तो जैसे जैसे ऑडियो में आपको आप सुनते हो ऑडियो में कि वो बोल रहा है मूव फॉरवर्ड देन राइट, उसी तरह से आपको अपना पॉइंटर भी मूव करना है राइट लेफ्ट उसी तरह से, ताकि आपका कोई भी आंसर गलत ना हो। ये था आपके लिए टिप ऑफ द डे लिसनिंग के लिए। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन 3 थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है 27 मई के एग्जाम में एज कम्पेयर टू सेक्शन 4, क्योंकि सेक्शन 3 में आपके पास मल्टीपल चॉइस आने के कोई चांसेस हैं और मल्टीपल चॉइस यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही आ सकते हैं। फुल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। अगर आपका वीक एरिया जो है, अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, देन आपके लिए सेक्शन 3 जो है वो मॉडरेट लेवल का रह सकता है। बट डोंट वरी, सेक्शन 4 की अगर बात की जाए तो 1 वर्ड ओनली आने के चांसेस हैं और ये कन्वर्सेशन लेक्चर होगा एक आपका, जो एक फ्लुएंट होगा और साथ ही साथ उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहने वाली है। सो फॉर दोस जो समझते हैं कि स्पीड उनका वीक एरिया, उनके लिए सेक्शन 4 डिफिकल्ट हो सकता है। जिनको MCQ से डर लगता है उनके लिए सेक्शन 3 डिफिकल्ट हो सकता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए लिसनिंग की देन लेवल जो है लिसनिंग का वो इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। राइटिंग की बात करते हैं। राइटिंग का लेवल जो है वो आप मॉडरेट लेकर चलो, क्योंकि मॉडरेट मैं इसलिए बोल रही हूँ मई मंथ का लास्ट एग्जाम है। जितने एग्जाम हमने देखे किसमें एक पैसेज डिफिकल्ट था, किसी स्टूडेंट का कहना था कि 2 पैसेज डिफिकल्ट थे, तो आप ये मान के चलो कि लास्ट एग्जाम है बहुत आसान नहीं होगा बट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। यस, 1 पैसेज आपको ट्रिकी देखने को मिलेगा या सेकंड पार्ट में भी आपको थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अप हो सकता है। सो पैसेज 1 की अगर बात की जाए तो बहुत ईजी होगा। क्वेश्चन टाइप की अगर बात की जाए तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन एंड मैच द इंफॉर्मेशन, या फिर आपके पास जो है सेंटेंस कंप्लीशन, ये क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। पैसेज 2 की अगर बात की जाए, पैसेज 2 में मैच द इंफॉर्मेशन MCQs एंड लिस्ट ऑफ द हेडिंग, ये क्वेश्चन टाइप आने के चांसेस हैं।
पैसिव्स 3 की अगर बात की जाए तो समरी कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन इन द फॉर्म ऑफ एनी क्वेश्चन टाइप जो ब्लैंक्स के फॉर्म में हो वो आपके पास आ सकती है, विद गिवन वर्ड्स भी आपके पास आ सकते हैं। इसके अलावा एमसीक्यू आने के चांसेस हैं एंड येस नो नॉट गिवन। सो ये क्वेश्चन टाइप हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और जिनके आने के चांसेस हैं। सो अगर आपका वीक एरिया येस नो नॉट गिवन या True, false, not given MCQ है, then work on it, क्योंकि ये आपके रीडिंग के लेवल को और डिफिकल्ट बना देगा 27 के एग्जाम में अगर आपके इनमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब बात करते हैं राइटिंग की। सो राइटिंग की अगर बात की जाए, टास्क वन में हाई चांसेस कि आपके पास कॉम्बिनेशन वाला ग्राफ आएगा। इस बार कॉम्बिनेशन लाइन टेबल का हो सकता है, पाई लाइन का हो सकता है। सो इस तरह के कॉम्बिनेशन आने के चांसेस है। इसके अलावा आपके पास डायग्राम आने के चांसेस है, डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ मैप और प्रोसेस। सो इसके डायग्राम आने के चांसेस जो है वो 35-40% है एंड 60% मान के चलो कि आपके पास हाई चांसेस कि आपके पास कॉम्बिनेशन में जो है ग्राफ आएगा इस बार। अब बात करते हैं टास्क टू की। टास्क टू की अगर बात की जाए तो एवरेज जो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न चला रहा है वही फॉलो होता आ रहा है कि अग्री डिसअग्री एंड डिस्कस बोथ व्यू, ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बट कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो कैटेगरीज की अगर बात करो तो एजुकेशनल, क्राइम, इसके अलावा सोशल, ये कैटेगरीज हैं जो आपको परफॉर्म करनी है। अगर मान के चलो अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट बताऊं और आपको कहूं कि यही स्टेटमेंट आएगी एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं। आप ये देख लो कि पिछले रिव्यूज देखो, खुद से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। आपके पास 10 कैटेगरीज हैं, जॉब एंड करियर, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसके बाद है स्पोर्ट्स, एजुकेशन, देन सोशल, देन क्राइम, ये आपके पास टॉपिक हैं। आप ये देखो कि मई मंथ में कौन कौन से टॉपिक आ चुके हैं। जो टॉपिक नहीं आए, इट मीन्स हाई चांसेस है कि उनमें से टॉपिक आएगा। सो टास्क टू आपको करने हैं अग्री डिसअग्री, डिस्कस बोथ व्यू, अलोंग विद दैट आपको करना है डिसएडवांटेज आउटवेट एडवांटेजेस। सो ये आपको टॉपिक करने हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। इफ येस देन हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जो आपको साइड में घंटी का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके साथ साथ मैं क्यू कार्ड्स की वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको किसी क्यू कार्ड में आइडियाज़ में प्रॉब्लम आ रही है या आपको फॉलोअप के सैम्पल चाहिए या पार्ट वन का सैम्पल चाहिए, देन लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। या इसके अलावा आपको लगता है कि हाँ हमारा कोई डाउट क्लास होनी चाहिए या लिसनिंग रीडिंग की कोई क्लास होनी चाहिए या राइटिंग की, वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपकी सजेशंस जो हैं वो हमें हेल्प करेंगी इम्प्रूव करने के लिए। सो आपकी सलाह जो है, आपके फीडबैक जो है वैल्यूएबल, वो हमारे लिए बहुत कीमती हैं। प्लीज़ कमेंट करो, प्लीज़ अपने फीडबैक हमें दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।